अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू योर चैनल ई स्टडीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और ये आपके लिए हेल्पफुल भी साबित हो जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है डायरी राइटिंग डायरी राइटिंग एक बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरी किस तरह लिखी जाती है सबसे पहले बताती चलूँ कि डायरी लिखते वक्त आप डायरी से मुखातिब होते हैं आप उसमें तमाम अपने इमोशंस जो है वो फर्स्ट पर्सन के तौर पर लिखते हैं स्टार्टिंग किस तरह से होती है सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेट सबसे पहले डेट लिखी जाती है उसके बाद डे लिखा जाता है जो भी दिन होता है और फिर टाइम लिखा जाता है नॉर्मली डायरी रात के टाइम में ही लिखी जाती है जिसमें पूरे दिन की रुदात लिख दी जाती है नाओ ये एक सैंपल डायरी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सो so, जब आप लोग डेट लिख लें डे लिख लें एंड टाइम लिख लें उसके बाद आपने लिखना होता है डियर डायरी डियर डायरी कॉमा, टुडे वाज अ मेमोरेबल डे फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स एज आई विजिटेड माय ओल्ड स्कूल ब्रांच टू टेक सम होमवर्क फ्रॉम टीचर्स एज माय यंगर ब्रदर you know Shahzeb was ill and not able to go school nowadays it brought back so many memories i walked through the paths remembering all the good times i had there i met my old teachers they were all so happy to see me my heart was filled with both respect and excitement from them. I am so grateful for my education and all the opportunities my school gave me. It also made me realize how much I have grown since then. I am definitely going to visit again soon. Exclamation mark. You have to write your name. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz.